मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ आई। हाँ बोलो, क्या बोलूँ? विधवा हूँ मैं, और इसीलिए शायद करवा चौथ के व्रत के क्या मायने होते ये भी भूल चुकी। आज मेरे वाली ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा, पर तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की उस मिश्री को, काम वाले को ये कह के कि वो तुम्हारे राघव के लिए व्रत रखे, जबकि मेरे वाली ने तुम्हारे बेटे के लिए व्रत रखा है, उसका तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिश्री ने राघव को बहुत बड़े खतरे से बचाया। और ये बात सब जानते हैं, और तुम भूल रही हो कि राघव ने शादी मिश्री से की है, वाली से नहीं, और ये भी सब जानते हैं। इसीलिए मैंने मिश्री को अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने दिया। वो तो पहले से ही व्रत रख रही थी माजी के कहने पर। इसका मतलब तुम्हारे लिए मेरी वाणी कोई मायने नहीं रखती, ऐसा मैंने कब कहा? जो भी आपने देखा, हमने सीन किया था उसमें कल्पना मेरे पास आती है, क्योंकि उसे ये चिंता है कि वाणी ने राघव के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और वो व्रत कैसे तोड़ेगी, उसे ये चिंता हो रही थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऑलरेडी मिश्री को बोल चुकी थी कि राघव के लिए करवा चौथ का व्रत रखे। तो वो मुझे सुनाने आती है कि वाणी तुम्हारी बहू है, उसने ऐसे समय में राघव से शादी की जब वो बेहोश था, और फिर भी तुम वाणी का साथ नहीं दे रही हो, तुम ये सब जानते हुए भी मिश्री को तुमने करवा चौथ का व्रत रखने के लिए। मेरी वाणी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, ऐसा मैंने कब कहा? देखो कल्पना, मेरे बेटे राघव की जिंदगी में आज दो दो लड़कियां, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर है। और ये बात भी सब जानते हैं कि वाणी ने राघव से उस वक्त शादी की थी जब वो बेहोश था, इसलिए मैं तुम्हें जो भी कहूँ तुम उसका उल्टा मतलब ही निकालो। मैं इस बात से इनकार नहीं करती, कैसे मिश्री की दादी का एक्सीडेंट होने के बाद राघव मिश्री की मदद कर रही है वाणी, अभी भी वो अस्पताल में ही है ताकि राघव उसका उपवास तोड़ सके। वाणी का व्रत है, पर फिर भी इसी उम्मीद में वो अभी भी हॉस्पिटल में बैठी है, ये सोच के कि राघव उसका व्रत तोड़ दे। तो मैं उसे वही जवाब देती हूँ कि एक्चुअली देखा जाए तो राघव की शादी मिश्री से हुई है, तो उसकी वाइफ तो मिश्री है। तो मैं उस, और बहुत बार मैं उसे समझाती हूँ कि बहुत बार मिश्री ने अपनी जान पे खेल के राघव की जान बचाई है, तो उसका हक पहले बनता है उसके लिए व्रत रखने का। तो बेसिकली वो सीन में यही दिखाया गया कि मैं मिश्री को कितना फेवर कर रही हूँ, और इनडायरेक्टली मैं उसको बोल भी देती हूँ, इनडायरेक्टली क्या, मैं डायरेक्टली उसको बोल देती हूँ कि उसे अभी ये देखना नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए कि राघव वाणी का व्रत तोड़वाएगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है राघव मिश्री का ही व्रत तोड़वाएगा। तो मैं उसे बोलती हूँ कि एक काम करो, अपनी बेटी को घर लेके आओ और उसका व्रत तुम खुद ही तोड़ाओ, क्योंकि राघव तो ऐसा करने वाला नहीं है। ये सारे सीन्स में चल रहे थे, और ये सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी अभी तक, आपने शुरू के एपिसोड से अभी तक देखा कि जो कल्पना और मेरा रिलेशन चल रहा था उससे वो चीज़ें काफ़ी हद तक सुलझ गई। मैंने उसे समझाने की तो बहुत कोशिश की, पर कल्पना ये नहीं समझी, लेकिन मैंने अपने एंड से बहुत कोशिश की कि मैं जो भी कहती हूँ उसको वो हमेशा गलत समझती है। तो बस यही सब सीन में चल रहा था।